فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما سيد الشهداء عليه السلام ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال عيسى في مقام آخر ادعوني أستجب لكم وقال إمامنا الصادق عليه السلام فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب سارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم صلوات على محمد ऐज़ान मोहतरम परवरदिगार आपकी इबादत अपनी बारगाह में कबूल फरमाए आपको कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत की। इससे पहले कि आपकी खिदमत में कुछ अराइज़ पेश करूँ सूरह फातिहा की इल्तिमास है मरहूम हाजी हसन अली जीवानी के रिसाले सवाब के लिए और तमाम मोमिन मोमिनात को शामिल करते हुए रहमतुल्लाह मन करा फातिहा। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى محمد ایک مرتبہ مل کے سب سے بات پڑھ محمد وعلى محمد ایزان محترم آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے پاس جو ایک بہترین معرفت پروردگار حاصل کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے جو آئمہ معصومین کی میراث ہم تک پہنچی اس میراث کے اندر دو چیزیں جو بہت اہمیت رکھتی ہیں وہ دعا اور زیارت ہے کیونکہ میں نے گزشتہ روز بھی عرض کیا کہ دعا اور زیارت کون سی وہ دعا اور زیارت کہ جو معصومین نے سے نقل ہوئی
वो दुआ और ज़ियारत नहीं जो हम ख़ुद अपनी मार्फत अपने इल्म को मद्देनज़र रखते हुए परवरदिगार से जिस दुआ को मांगते हैं या अपने कलमात में अगर किसी मासूम के सामने हम जाकर अर्ज़ अदब करते हैं, वो नहीं बल्कि वो दुआ कि जो मासूमीन की तरफ से हम तक पहुंची, वो दुआएं जो अंबिया की तरफ से हम तक पहुंची जिन्हें ख़ुद कुरान मजीद ने नकल किया, इसी तरह वो ज़ियारतें कि जो मासूमीन अलैहिस्सलाम से हम तक पहुंची। क्योंकि मासूम जब खुदा से गुफ्तगू करता है तो परवरदिगार आलम की अज़मत को देखते हुए गुफ्तगू करता है, लिहाजा वो रिवायात के जो हमसे डायरेक्ट मासूमीन अलैहिस्सलाम बयान करते हैं उन रिवायतों में और उस गुफ्तगू के अंदर जो परवरदिगार आलम से एक इमाम करता है बहुत फ़र्क होता है। मासूम जब हमसे गुफ्तगू करता है तो हमारी अक्ल को देखते हुए, हमारे इल्म को देखते हुए, लेकिन जब वो डायरेक्ट परवरदिगार आलम से गुफ्तगू कर रहा होता है तो उस परवरदिगार आलम के मकाम और मर्तबे को देखने के बाद गुफ्तगू करता है। लिहाजा आइमे मासूमीन जिस तरह से अजमत परवरदिगार को, उस परवरदिगार आलम के मकाम और मर्तबे को बयान करते हैं, इस तरह से कोई ना बयान कर सकता है ना बयान कर सकेगा। अतः बहुत सारे लोगों ने नहजुल बलागा पढ़ने के बाद यही जुमला कहा कि ये फौक कलाम मखलूक तहत कलाम खालिक। और जैसी तौहीद, मैंने शायद गुज़श्ता रोज़ भी अर्ज़ किया था कि मुफ्ती मिस्र ये कहता है कि साहब ये सहीफ़ा सज्जादिया काश के मुझे जवानी में मिलती, तो ये दो बातें करता है, इससे दो बातें नकल हैं कि हम दो चीज़ों में अहले बैत रसूल के मदयून हैं, एक तौहीद की मंजिल में, एक दुआ की मंजिल में। तौहीद की मंजिल में हम अली इब्न अबी तालिब के मदयून हैं और दुआ जो परवरदिगार आलम से गुफ्तगू करने का ढंग जिस ज़ात ने हमें सिखाया उस ज़ात का नाम है अली इब्न हुसैन। यानी दादा ने परवरदिगार आलम की तौहीद हमें पहुंचाई और पोते ने परवरदिगार से गुफ्तगू करने का ढंग सिखाया। ये वो कह रहा है कि जो इन्हें इमाम नहीं मानता, जो खलीफतु बिलाफस का ऐलान नहीं करता, वो कह रहा है कि अगर किसी ने तौहीद हम तक पहुंचाई है तो वह है अली इब्न अबी तालिब। वो ये कह रहा है कि अगर परवरदिगार से गुफ्तगू करने का तरीका किसी ने सिखाया है तो वह है अली इब्न हुसैन। तो ऐसा मतलब ये जो तौहीद है, ये जो परवरदिगार आलम से मांगने का ढंग है, ये जो अहम तरीन मतालिब हैं, ये अगर हमें कहीं मिलते हैं बग़ैर किसी मुश्किल के तो वो दुआ और ज़ियारत है। क्योंकि दूसरी जगहों से मुमकिन है कि कुछ हसद करने वाले, दुश्मनी रखने वाले, बुग़्ज़ रखने वाले उसमें तब्दीली कर दें, लेकिन क्योंकि ये वो चीज़ें हैं कि जो उनकी निगाहों से दूर थी लिहाजा इनमें तब्दीलियाँ भी नहीं हुई, जिस तरह से उनसे नकल हुई उसी तरीके से हम तक पहुँच गई। तो ये ज़ियारत और दुआ ये दो अहम वसीले हैं परवरदिगार आलम की मारफत हासिल करने की अहम वसीले। ज़ियारत अगरचे आप बज़ाहिर उस मज़ूर यानी उस शख्सियत के जिसके सामने आप खड़े हैं और जिसके सामने आप सलाम कर रहे हैं, अगरचे आप उसके अजमत को, उसके मकाम को, उसके मर्तबे को बयान कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये वो मुख्तसर तरीन तरीका है कि जिसके ज़रिए आप खुदा तक पहुँच सकते हैं। तो ज़ियारत भी हकीकत में खुदा तक पहुँचने का बेहतरीन वसीला है। खुदा की मारफत इसी दर से हासिल होगी, इसी ज़ियारत के ज़रिए हासिल होगी। लिहाजा जब ज़ियारत पढ़ने जाते हैं तो ज़ियारत से पहले तकबीर का ऐलान कर रहे होते हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मालूम है कि ये अल्लाह अकबर जो तुम्हें, जिसने अल्लाह अकबर बताया उसकी बारगाह में तुम हाजिर हुए हो, उससे सीखने के लिए हाजिर हुए हो। इसको पहचान लो, उस अल्लाह अकबर को पहचान लोगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
इसी तरह से दुआ, दुआ कि जिसको इबादत करार दिया गया है, यानी दुआ को हम इतना हल्का ना लें। आजकल के ज़माने के अंदर खुसूसन जवान जो है वो इस दुआ से बिल्कुल पीछे होता जा रहा है, नमाज पढ़ी उठ के चल दिया, जबकि दुआ को परवरदिगार आलम की जानिब से मासूमीन की ज़बान के अंदर इसको इबादत करार दिया गया है। दुआ इबादत है। अगर आप नमाज के बाद हाथ उठाकर परवरदिगार आलम की बारगाह में डायरेक्ट उससे गुफ्तगू करते हैं तो परवरदिगार आलम को ये बहुत पसंद है। हत्ता मासूमीन से रिवायात हैं कि साहब कुरान की तिलावत करना ज़्यादा बेहतर है या दुआ करना, परवरदिगार से गुफ्तगू करना। तो रिवायत का जो मफाद है वो ये है कि आप अगर इन दो के दरमियान किसी को इख्तियार करना चाहें तो दुआ। नमाज मुस्तहब नमाज और दुआ के अंदर अगर टकराव हो जाए तो दुआ, लेकिन दुआ की अहमियत बहुत ज़्यादा है। ना सिर्फ दुआ को इबादत कहा गया है बल्कि रिवायत क्या कहती है, अद्दुआ मुखल इबादा। दुआ सिर्फ इबादत नहीं है बल्कि इबादत के अंदर अगर इबादत की दर्जाबंदी कर दी जाए तो उस इबादत के अंदर जो सबसे ऊपर चीज़ आती है उसका नाम है दुआ। मुखल इबादा यानी मगज़ इबादत, इस इंसान के वजूद के अंदर जो सबसे अहम तरीन चीज़ है उसका नाम क्या है, मगज़, दिमाग। दुआ को मगज़ इबादत और मुखल इबादत कहा गया है। और ना सिर्फ यहीं पर इक्तफा किया गया बल्कि परवरदिगार आलम ने तो ये कहा कि अगर कोई शख्स आता है और दुआ नहीं करता तो ये इसका मतलब यह है कि मेरे सामने खड़ा हो रहा है, ये मेरे सामने खड़ा हो रहा है। इन्नल्लज़ीन यस्तकबिरून अन इबादती, जो शख्स मेरे इबादत के सामने खड़ा हो जाता है, इबादत अंजाम नहीं देता, इस्तकबार करता है, तकब्बुर करता है। यस्तकबिरून अन इबादती, मेरी इबादत अंजाम नहीं देता। कौन सी इबादत? वो इबादत कि जिसके लिए तुम्हारी खिलकत हुई। वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, परवरदिगार आलम ने तुम्हें किस लिए खल्क किया? इबादत के लिए। इबादत महदूद नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ नमाज पढ़ूँ तो ये इबादत है, रोज़ा रखूँ तो ये इबादत है। नहीं, इन इबादतों में जो एक बेहतरीन इबादत है उस इबादत का नाम है दुआ, कि जिसको परवरदिगार आलम कुरान में फरमाता है इन्नल्लज़ीन यस्तकबिरून अन इबादती, जो मेरी इस दुआ को मेरी बारगाह में दुआ के लिए हाथ नहीं उठाता, दुआ नहीं करता, इस्तकबार करता है, अकड़ जाता है, उसके लिए मैंने जहन्नम में उसका ठिकाना मुकर्रर किया है। सैयदखुलून जहन्नम दाखिली, मैं उसे जहन्नम में दाखिल कर दूँगा। तो दुआ की अहमियत इतनी ज़्यादा है, लिहाजा आइम मासूमीन से जो दुआएँ आई हैं बेशक कि वो आपकी मेरी तमाम आने वाले इंसानों की हिदायत का बेहतरीन वसीला है, बेहतरीन मारिफ अपने अंदर लिए हुए हैं। और मैंने अर्ज़ किया कि एक दुआ क्या थी जो ज़ियारत आशूरा के ज़िम्न में आई, अय्यजअलनी माअकुम फिद्दुनिया वल आखिरा, दुनिया के अंदर भी बेहतरीन मुसाहिब, बेहतरीन रफ़ीक, बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन वो ज़ात के जिसके साथ तुम चल सको उसका सवाल करो, और उस दुनिया के अंदर भी परवरदिगार से ये तकाजा करो कि उस दुनिया के अंदर भी हम बेहतरीन अफराद के साथ मशहूर हों। वो कौन है? अय्या जालनी माकुम, परवरदिगार मुझे आपके साथ इस दुनिया में और उस दुनिया में करार दे। एक दुआ ये है, यकीनन इससे बेहतर दुआ नहीं हो सकती। एक और दुआ जो ज़ियारत आशूरा के अंदर छठे इमाम और पाँचवें इमाम से जो मनकूल है ज़ियारत, क्या सवाल हो रहा है? फ़असअलुल्लाहि अल्लज़ी, अल्लाह से किस चीज़ का सवाल करो? सवाल कर रहा है, सवाल यानी दुआ यानी पुकारना उसको। फ़असअलुल्लाह, किस अल्लाह से? उस अल्लाह से कि जिसने अकरमा मकामक, जिसने आपको मकाम दिया, जिसने आपको मर्तबा दिया, जिसने आपको हर किस्म की रिस से दूर रखा, उस परवरदिगार आलम से। अकरमा मकामक, जिसने आपको बुलंदी अता की, उससे सवाल करो। सिर्फ आपको अता नहीं किया, सिर्फ आपको मुकरम नहीं करार दिया, सिर्फ आपको काबिल एहतराम नहीं बनाया, बल्कि हर वो ज़ात के जो आपसे मुतमस्सिक हो गई उससे भी काबिल एहतराम बना दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
सलवात पढ़ते हुए थोड़ा सा आगे तशरीफ ले आए। فرمایا فاسأل الله الذي اكرم مقامك, اس اللہ سے سوال کرو, کس اللہ سے؟ جس نے آپ کو آقائی عطا کی, جس نے آپ کو برتری عطا کی, جس نے آپ کو مکرم قابل احترام بنایا. اکرم مقامک و اکرمنی بک, اور مجھے بھی قابل احترام بنایا اس وجہ سے کہ میں آپ کے ساتھ جڑ گیا ہوں, اس لیے کہ میں آپ سے وابستہ ہو گیا ہوں. بس کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو وابستگی کی وجہ سے صاحب احترام ہو رہے ہیں. اگر کسی مکرم کے ساتھ انسان مل جائے, اس سے وابستہ ہو جائے, اس سے متمسک ہو جائے, تو یہ انسان بھی محترم ہو جاتا ہے. بس معصوم امام فرما رہے ہیں کہ اس پروردگار عالم سے سوال کرو کہ جس نے ہم کو سربلندی عطا کی, جس نے ہمیں مورد احترام قرار دیا, اور جس احترام کی وجہ سے یہ دوسرے افراد بھی قابل احترام ہوئے. کس چیز کا سوال کرو؟ آئیں یرزقنی, کہ پروردگار ہمیں توفیق دے, ہمارے رزق میں قرار دے. کس چیز کو؟ اس چیز کو کہ ہم طلب ساری کا ما امام منصور, تیری آخری حجت کے ساتھ, کہ جو خون حسین علی ابن ابی طالب کا بدلہ لینے کے لیے مقرر. ہم بھی ان کے ساتھ خون حسین کا بدلہ لینے والوں میں شمار ہوں, یہ دعا ہے. تو اس دعا کے جو پہلے حصے کے اندر ارشاد فرمایا کہ اَن یُکرمنی, وہ تو قابل احترام ہیں ہی ہیں, جو ان سے وابستہ ہو گیا وہ بھی قابل احترام ہو گیا. یقیناً حسین مکرم ہے, پروردگار کا مورد احترام ہے. پروردگار عالم نے حسین ابن علی ابن ابی طالب کو مقام عطا کیا ہے, مرتبہ عطا کیا ہے, احترام عطا کیا ہے. حسین کا احترام یہی ہے کہ جب علی ابن الحسین علی امام زین العابدین علیہ السلام دربار شام میں گئے ہیں, تو وہاں پر آپ نے جب اپنا تعارف کرایا تو تعارف دو طرح کا تھا. ایک تعارف اپنا تو تعارف کرایا, لیکن پروردگار عالم نے جو فضیلتیں اس گھرانے کو عطا کی تھیں وہ فضیلتیں بیان کی. ان فضیلتوں کو جب سید سجاد بیان کر رہے ہیں اس دربار کے اندر تو کیا کہتے ہیں؟ عزیزان محترم, ممکن ہے کہ عام زمانے کے اندر یا آج کے زمانے میں کوئی شخص کہے کہ صاحب یہ فخر کر رہے ہیں, لیکن امام معصوم کی نسبت سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ فخر کر رہے ہیں. یہاں پر بتانا ہے یہ باعث فخر چیزیں تھیں تو امام سجاد بیان کر رہے تھے. امام سجاد دربار یزید کے اندر کہہ رہے ہیں کہ میں کون ہوں, یہ جو کٹا ہوا سر ہے یہ کس کا ہے, تمہیں معلوم ہے یہ فرزند رسول ہے, یعنی امام حسین علیہ السلام. اور اسی طرح سے امام حسین کی اولاد میں آنے والا ہر معصوم امام جب اپنا فخر بیان کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ کہہ کر بیان کرتا ہے کہ ہم فرزند رسول ہیں. لہٰذا آپ مختلف زمانوں میں آئمہ معصومین کی زندگی میں دیکھیے کہ جب وہ رسول خدا کی زیارت کو جاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں, رسول خدا کو کیا کہہ کر خطاب کرتے ہیں؟ باپ, پدر, ابھی. بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ کیوں کہتے ہیں, تو آئمہ معصومین آئے مباہلہ سے دلیل لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے آئے مباہلہ نہیں پڑھی, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ رسول خدا فرزند کے مقام پر کس کو لے کر گئے تھے؟ میں اسی کا فرزند ہوں, میں اسی حسین کا فرزند ہوں. امام موسیٰ کاظم استدلال کر رہے ہیں, میں اس کا فرزند ہوں. بس رسول خدا میرے جد ہیں, بس رسول خدا سے نسبت ایک فضیلت ہے, ایک اکرام ہے جو پروردگار عالم نے حسین ابن علی کو, اولاد حسین ابن علی کو دیا. تو حسین کے اکرام کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ فرزند رسول ہیں, وہ فرزند صدیق ہیں. عجیب جملہ استعمال کیا چوتھے امام نے کہ میں صدیق کا بیٹا ہوں, میں صدیق کا بیٹا ہوں. میں کس کا بیٹا ہوں؟ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں, میں حمزہ کا بھتیجا ہوں, میں جعفر ہم میں سے ہے. چوتھے امام اس دربار کے اندر جب اپنا تعارف کرا رہے ہیں تو ان افراد کا ذکر کر رہے ہیں.
तो हुसैन इब्ने अली की बर्तरी के लिए, हुसैन इब्ने अली की अजमत के लिए यही काफ़ी है कि हुसैन इब्ने अली फर्जंद रसूल हैं, फर्जंद अमीर अलमोमिनीन हैं। हुसैन इब्ने अली की बर्तरी इसी के, इस बर्तरी के लिए यही काफ़ी है कि परवरदिगार आलम ने अपनी उस इमामत के, जिस इमामत के लिए जनाब इब्राहिम परवरदिगार आलम की बारगाह में तमन्ना करते हुए दिखाई दे रहे हैं, परवरदिगारा इस इमामत को मेरी ज़ुर्रियत में रखना, परवरदिगार आलम हुसैन इब्ने अली की नस्ल के अंदर 9 इमामों को करार दे रहा है। हुसैन की अजमत के लिए यही काफ़ी है। हुसैन का मकाम क्या है, हुसैन की अजमत क्या है? आई युकरमनी, परवरदिगार ने आपको सरबुलंदी अता की, आपको मर्तबा अता किया। रिवायत कहती है कि जन्नत परवरदिगार आलम से ये कहती हुई दिखाई देगी, परवरदिगारा तूने मुझसे वादा किया था कि तू मुझे नूर से मुजयन करेगा, तू मुझे सजाएगा। परवरदिगार आलम उस जन्नत से खिताब करेगा कि मैंने तुझे हसन और हुसैन के वजूद से मुजयन किया। हुसैन इब्ने अली को हम दर्क नहीं कर सकते, हुसैन इब्ने अली की अजमत को हम नहीं समझ सकते। रसूल खुदा फरमाते हैं, जब रसूल खुदा के सामने एक मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लेकर आए, तो उस वक्त हुसैन को देखने के बाद रसूल खुदा ने फरमाया, या ज़ीनत समावात वल अर्ज, ए ज़मीन व आसमान की जीनत। तो बैठे हुए किसी सहाबी ने कहा कि ए अल्लाह के नबी, मगर आपके होते हुए भी कोई ज़ीनत ज़मीन व आसमान हो सकता है? तो उस वक्त अल्लाह के नबी ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, ये हुसैन ज़ीनत ज़मीन व आसमान है। हुसैन वो ज़ात है कि जिसकी वजूद से परवरदिगार आलम ने अपने अर्श को मुज़य्यन किया। हुसैन की ज़ात से अर्श को मुज़य्यन किया। फरमाते हैं कि जब मैं मेराज पर गया, तो मेराज पर जाकर मैंने देखा कि एक मकाम पर अर्श की दाहिनी जानिब पर 14 मासूमीन के नाम दर्ज हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम है, अली मुर्तज़ा का नाम है, फ़ातिमा ज़हरा का नाम है, हसन मुश्तबा का नाम है, अली हुसैन सैयद शहदा का नाम है, और तमाम के तमाम मासूमीन के असमा मौजूद हैं। रसूल खुदा फरमाते हैं, लेकिन अर्श की दूसरी जानिब जब मैंने देखा तो वहाँ पर ये लिखा था, इन्नहु मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात। सबके नाम एक मरतबा, हुसैन का नाम 2 मरतबा। हुसैन इब्ने अली का नाम वो है कि इसे परवरदिगार आलम ने अपने अर्श पर 2 मरतबा लिखा। हुसैन मुकरम परवरदिगार है, हुसैन को परवरदिगार आलम ने यह मकाम और मरतबा अदा किया। और न सिर्फ हुसैन को, बल्कि अब जो चीज़ भी हुसैन से मंसूब हो जाए, अब जो चीज़ भी हुसैन से जुड़ जाए वो मोहतरम हो जाती है। ये फ़र्श अज़ा, ये फ़र्श जो बाहर बिछते थे, जब भी बिछते थे मुख्तलिफ कामों के लिए बिछते थे, काबिल एहतराम नहीं थे, लेकिन जब हुसैन की मजलिस में आकर बिछे तो काबिल एहतराम हो गए। अब सिर्फ हुसैन मुकरम नहीं है, बल्कि परवरदिगार आलम हर वो ज़ात, हर वो शय, जानदार और बेजान फ़र्क नहीं करती, जो भी हुसैन से जुड़ जाए, जो भी हुसैन से मंसूब हो जाए, वो परवरदिगार आलम के नज़दीक काबिल एहतराम हो जाती है। अब उसे ये देखकर आदमी ना सोचे कि ये लकड़ी का है, ये कपड़े का है, ये ना सोचे कि लकड़ी है, ये कपड़ा है। तारीख़ के अंदर ऐसे लोग, ऐसे बदबخت लोग, ऐसे जहन्नुमी लोग गुजरे हैं कि जिन्होंने रसूल के रोज़े को देखने के बाद जब मदीने से वापस हो रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि मदीने के अंदर है ही क्या, चंद लकड़ियाँ और चंद बोसीदा हड्डियाँ। ऐसे लोग भी गुजरे हैं कि जो दुनिया के अंदर भी मालूम थे, आखरत में भी खुदा की लानत उन पर होगी।
अज़ान मोहतरम, हुसैन मुकरम है, हुसैन काबिल एहतराम है, हर वो चीज़ जो हुसैन से मुंतसिब होगी, नस्बत पैदा करेगी काबिल एहतराम। फ़र्श अज़ा, ये मकाम जो हुसैन के लिए बिछता है तो ये काबिल एहतराम हो जाता है। रिवायत कहती है कि आपने सुनी होगी, सिर्फ वाज़े करने के लिए कि रिवायत ये कहती है कि जब जिस मकाम पर फ़र्श अज़ा बिछता है, जिस मकाम पर मजलिस अज़ा होती है, उस मकाम से एक नूर आसमान की तरफ उठता है। जब ये नूर आसमान की तरफ बढ़ता है तो परवरदिगार आलम की बारगाह में मौजूद फरिश्ते परवरदिगार आलम से कहते हैं, परवरदिगार ये नूर कैसा? तो परवरदिगार कहता है, ज़मीन पर फला मकाम पर हुसैन इब्ने अली की मजलिस हो रही है, हुसैन इब्ने अली की अज़ा में फर्श बिछा हुआ है। आसमान से पे रहने वाली मखलूक परवरदिगार से कहती है, परवरदिगार हमें इजाज़त दे, हम उस मजलिस में जाना चाहते हैं। परवरदिगार आलम कुछ फरिश्तों को इजाज़त देता है, फरिश्ते ज़मीन पर आते हैं और जब इस मजलिस से वापस जाते हैं तो दूसरे फरिश्ते कहते हैं, कहाँ गए थे, ये जो खुशबू लेकर आ रहे हो ये खुशबू कैसी? ऐसी खुशबू हमने नहीं सूंघी, ऐसी खुशबू हमने पहले कभी नहीं सूंघी, खुशबू कहाँ से लेकर आए हो? कहा, ज़मीन पर हुसैन इब्ने अली का जिक्र हो रहा था, हम उस जगह पर उस मजलिस में गए थे, वहाँ से वापस आ रहे हैं। अब वो दूसरे फरिश्ते परवरदिगार से कहते हैं, परवरदिगारा हमें भी इजाज़त दे, हम भी उस जगह पर जाएं, उस मकाम पर जाएं। परवरदिगार कहता है, मजलिस ख़त्म हो गई। वो इसरार करते हैं कि नहीं, हम उस जगह पर जाना चाहते हैं। परवरदिगार इजाज़त देता है, कहता है, जाओ उस जगह पर, अभी वो फर्श बिछा हुआ है, अभी वो फर्श बिछा हुआ है, जाओ अपने आप को उस दर और दीवार से मस करके वापस आओ। इस फर्श में क्या है? फर्श तो फर्श है, लेकिन क्योंकि हुसैन से निस्बत पैदा कर ली, जाहिर तो जाहिर है, ज़ियारत करने वाला तो ज़ियारत करने वाला है, लेकिन जैसा ज़ियारत करने वाला हुसैन का है ऐसा किसी का नहीं, कि जिसके लिए कई हजार फरिश्ते जिसके एहतराम में करबला से बाहर आकर उसका इस्तकबाल करते हैं। एहतराम तो बहुत है, ये इकराम कहाँ है कि आपने ज़िंदगी के एक एक पल का, एक एक घड़ी का हिसाब देना है? कहा, लेकिन जो हुसैन की ज़ियारत के अंदर ये वक्त गुजरेगा, इस ज़ियारत का कोई, इस वक्त का कोई हिसाब किताब नहीं, ये तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल ही नहीं है, ऐसा एहतराम। बस जो चीज़ हुसैन से मंसूब हो जाए वो भी मुकरम हो जाती है। एक सलवात पढ़ें, मोहम्मद कुरान मजीद के अंदर चंद मकामात पर ये इकराम की गुफ्तगू आई है। परवरदिगार आलम ने चंद चीज़ों को मुकरम किया है, काबिल एहतराम किया है, बयान किया है कि ये वो हैं कि जिनको हमने इज्जत दी। एक मकाम पर परवरदिगार आलम कुरान मजीद में जिक्र करता है, बल इबादो मुकरमून, किसके लिए? फरिश्तों के लिए। फरिश्ते कौन हैं? परवरदिगार आलम उन्हें एहतराम दे रहा है, कहा कि ये हमारे बाइज्जत बंदे हैं, बाइज्जत मखलूक हैं। बल इबादुम मुकरमून, ऐसे बंदे कि जिनको परवरदिगार आलम ने ये मकाम व मर्तबा दिया। एक मकाम पर और परवरदिगार आलम कुरान मजीद में जिक्र करता है, किसके बारे में? एक शख्स गुजरा है जिसका नाम है हबीब नज्जार, हज़रत ईसा का ज़माना। कुछ लोग अंताकिया शहर के अंदर तबलीग दीन करने के लिए आए, वहाँ के लोग उनकी बातों का मजाक उड़ा रहे हैं, उनकी बातों को सुनने से इनकार करते हैं। हबीब नज्जार आगे बढ़ता है कि भाई ये अल्लाह के नबी के नुमाइंदे हैं, इनकी बात सुनो, ये अच्छी बातें बता रहे हैं, इनका कहना मानो। लेकिन उन्होंने हबीब नज्जार का मजाक उड़ाना शुरू किया, यहाँ तक कि उसे इस नसीहत की वजह से कत्ल कर दिया। हबीब नज्जार को कत्ल हुआ, परवरदिगार आलम सूरह यासीन के अंदर हबीब नज्जार के बारे में कहता है कि वह जालनी मिनल मुकरमीन, हमने इसके गुनाहों को तो बख्शा बख्शा, हमने इसको मुकरमीन में से करार दिया, बाइज्जत अफराद में से करार दिया। राह खुदा के अंदर इसने गुफ्तगू की थी, हमारे दीन का दिफा किया था, हमारे भेजे हुए नबी के मुबल्लिगों के बारे में इसने तबलीग की थी, जालनी मिनल मुकरमीन, हमने इनको मुकरमीन में से करार दिया, काबिल एहतराम बंदों में से करार दिया, बाइज्जत अफराद में करार दिया। एक और मकाम पर परवरदिगार आलम सूरह मारिज के अंदर कुछ सिफात बयान करने के बाद
کن کی مکرمین کی صفات بیان کرنے کے بعد کہ مکرمین کون ہے، کیونکہ آخر میں نتیجہ دیا ہے کہ یہ کون ہیں، یہ مکرمین ہیں، کون مکرمین ہیں؟ کہا مکرمین وہ ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں، جو وفا کرتے ہیں عہد کے اوپر، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے. کون ہیں مکرمین؟ کہا وہ ہیں کہ جو عذاب خدا سے ڈرتے ہیں. مکرمین کون ہیں؟ وہ ہیں جو عفیف ہیں، عفت رکھتے ہیں، پاک دامن ہیں، ان کا دامن آلودہ نہیں ہے. کون ہیں؟ کہا وہ جو امانت میں خیانت نہیں کرتے، جو گواہی دینے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتے. اس کے بعد آ کر پروردگار سورہ معارج میں یہ چند صفات بیان کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اولائک فی جنات، یہ لوگ جنت میں ہیں اور بہت ہی باعزت طریقے سے. اولائک فی جنات مکرمین، یہ جنت کے اندر ہے، قابل احترام ہے، بس جنت میں رہ رہے ہیں باعزت طریقے سے. تو یہ تین مقامات پر پروردگار عالم نے یہ کلمہ استعمال کیا قرآن مجید میں، جو یہاں پر بھی استعمال ہوا زیارت میں. اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ اور میں، ہم بھی مکرم بن سکتے ہیں؟ ہم بھی قابل احترام بن سکتے ہیں؟ کیا ہم میں بھی کچھ ایسی صفات ہیں کہ جو ہم پیدا کریں، اپنے اندر وجود میں لے کر آئیں اور ہم بھی قابل احترام ہو جائیں، قابل عزت ہو جائیں عند اللہ، پروردگار کے نزدیک؟ دنیا والوں کی بات نہیں ہو رہی، دنیا میں عزت کا معیار مختلف ہے. دنیا میں عزت کا معیار کوئی ایک نہیں ہے، ہر انسان کے پاس ایک خاص معیار ہے. ہم اس پروردگار عالم کی ذات کی بات کر رہے ہیں کہ اس کے نزدیک صرف اور صرف ایک ہی معیار ہے. آیا کون سے کام ہیں؟ وہ ہے اہلیت، وہ ہے لیاقت، جو جس لائق ہوتا ہے پروردگار عالم اسے اسی مقام پر رکھتا ہے. اہل بیت جس مقام کے لائق تھے، پروردگار عالم نے اہل بیت کو وہ مقام دیا. تو پروردگار عالم کے یہاں کوئی تفریق نہیں ہے، پروردگار عالم کے یہاں کوئی پارٹی بازی نہیں ہے، پروردگار عالم کے یہاں کوئی تعصب نہیں ہے. پروردگار عالم اہلیت کی بنا پر اکرام کرتا ہے، مرتبہ دیتا ہے، مقام دیتا ہے. تو آیا کوئی ایسی چیز ہے کہ ہم اگر اس کام کو انجام دیں تو ہم بھی مکرم ہو جائیں؟ یا کوئی ایسی صفات ہیں کہ جن صفات کے حامل افراد کو ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ پروردگار عالم کے نزدیک محترم ہیں، صاحبان عزت ہیں؟ تو روایات کے اندر مختلف چیزیں ملتی ہیں. ایک صفت جو عباد مکرم کی ہے، جو پروردگار عالم کے نزدیک عزت رکھنے والوں کی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ روایت کہتی ہے کہ وہ حق گو ہوتا ہے، حق کو قبول کرتا ہے، حق کے اوپر ڈٹ جاتا ہے. عباد مکرم کی، پروردگار عالم کے محترم بندوں کی ایک صفت یہ ہے کہ اذا اکرم اللہ عبدن، پروردگار عالم اگر کسی بندے کو مکرم قرار دیتا ہے، قابل احترام قرار دیتا ہے، تو اس کے جو اندر جو صفت پائی جاتی ہے وہ صفت کیا ہے؟ اعانت علی اقامت الحق، وہ حق کو قیام کرنے میں، حق کو پابرجا کرنے کے اندر مددگار ہوتا ہے، حق کو قبول کرتا ہے. یہ حق کو قبول کرنا صاحبان احترام کی علامت ہے. اگر آپ کے اور میرے سامنے کوئی بچہ آ کر صحیح بات کرے تو مجھ میں، آپ میں اتنی جرأت ہونی چاہیے کہ اس کی صحیح بات کو قبول کریں. ہم کتنے ہی بڑے علامہ ہوں، غلطی کی گنجائش تو ہے نا، غلطی کی گنجائش ہے ہر انسان کے اندر. معصومین کے علاوہ جتنے بھی اس دنیا کے اندر انسان موجود ہیں، سب کے ہاں غلطی کی گنجائش ہے، کیونکہ عصمت جو ہے وہ صرف 14 معصومین کے لیے ہیں. کوئی 15واں اس دنیا کے اندر نہیں آیا جس کے لیے ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ معصوم ہے امام علی کی طرح سے، یہ معصوم ہے امام حسن کی طرح سے، یہ معصوم ہے امام حسین کی طرح سے، نہیں ہے. لہذا غلطی کی گنجائش ہر جگہ پر موجود ہے. اگر کوئی بچہ آ کر آپ کے سامنے صحیح بات کرتا ہے، دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے، تو اب میری یہ ذمہ داری ہے کہ بغیر چوں چرا کے اس کی بات کو قبول کروں. مجھے حق کو قبول کرنے میں کسی قسم کی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے. اگر میں کسی سے مناظرے کے لیے جا رہا ہوں، کسی سے مباحثے کے لیے جا رہا ہوں، تو اگر وہ اپنی بات کو ثابت کر دے دلیل کے ساتھ، تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کی بات کو قبول کروں، وگرنا پھر بات آ جاتی ہے مباحثے کی. رسول خدا کے اوپر پروردگار عالم آیت نازل کر رہا ہے، ان کو یہ جواب دو، ان کو یہ جواب دو، عیسائیوں کو، لیکن وہ ساری کی ساری باتیں جو دلیل کے ساتھ پروردگار عالم بیان کر رہا ہے، کیا کرتے ہیں؟ کہا ہمیں قبول نہیں، کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ کبھی بھی قابل احترام نہیں ہو سکتا. قابل احترام شخص وہ ہوتا ہے کہ جو حق کو قبول کرے. نصارا، عیسائی حق کو قبول نہیں کرتے، لہٰذا بات پہنچ جاتی ہے مباحثے تک.
बस अगर मैं जाता हूँ कहीं मुबाहिसे में, कहीं मुनाजरे में, अगर मेरे सामने वाला हक बात कर रहा है तो मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं कबूल करूँ। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रसूल खुदा के जो परवरदिगार आलम की जानिब से मौजज़ा लेकर आया, रसूल खुदा की खिदमत में लोग आते थे, आकर सवाल करते थे, मौजज़ा दिखाने की ख्वाहिश करते थे, कभी किसी बीमार को ले आते थे कि मौजज़े से इसको सही कर दें, मुर्दे को ज़िंदा कर रहे हैं, बीमार को सेहतयाबी दे रहे हैं, दरख जो है वो तस्बीह परवरदिगार कर रहा है, हाथ में कंकर आकर परवरदिगार की हम्द सना कर रहे हैं। ये सारे के सारे मौजज़े अल्लाह के नबी ने दिखाए, एक मौजज़ा तो नहीं है। एक शख्स तारीख में गुजरा है जिसका नाम है अबू जहल। ये शख्स एक दिन अपने घर में बैठा आया और अपनी बीवी को कुछ पैसे दिए, कहा कि फला खाना पकाओ, मैं आता हूँ ज़रा देख कर के ये आदमी जो आया है ये क्या कहता है, ये आदमी जो आया है ये क्या कहता है। रसूल खुदा की खिदमत में आया, कहा कि ये बताओ अपने इल्म गैब से, अपने इल्म गैब से ये बताओ कि मैंने पिछले एक घंटे में क्या किया। अल्लाह के नबी से आकर ये सवाल कर रहा है, लेकिन हक के सामने तस्लीम होना चाहिए। अबू जहल आता है, यार ए मोहम्मद, ये तुम्हारे पास जो तुम दावा करते हो कि इल्म गैब है, ज़रा मुझे ये बताओ कि तुम्हारे इल्म गैब तुम्हें ये मदद करता है कि ये बताओ कि मैं एक घंटे में, जो पिछले एक घंटे में मैंने क्या किया। तो रसूल खुदा ने फरमाया कि तू अपने घर गया, तूने 300 दिरहम अपनी बीवी को दिए, कहा कि फ़लाँ जगह पर रख देना, अपनी बीवी से कहा फ़लाँ खाना पका, और मैं जाकर देखता हूँ कि जो मर्द आया है ये क्या लेकर आया है, क्या कहता है। जब ये जुमला सुना तो एक जुमला कहा, इन्नका लसाहिरुन, इन्नका लसाहिरुन। अज़ो हक ये था कि यहाँ पर आकर कबूल हो जाता, तस्लीम हो जाता, अल्लाह के नबी की नबूवत का ऐलान करता, लेकिन क्योंकि दिल साफ नहीं था, दिल सिहा था, हक के सामने बाज हम खड़ा हुआ है। इबादे मुकरम की अलामत ये होती है कि जब उसके सामने हक वाजे हो जाए तो फिर वो मुखालफत नहीं करता, हक को कबूल करता है। करबला के अंदर आने वाला एक एक फर्द जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर अपनी जान को कुर्बान कर रहा है वो मुकरम है, वो काबिल एहतराम है। क्या ये काबिल एहतराम, ये एहतराम इनका कम है कि हमारे ज़माने का इमाम, इमाम हुज्जत, इमाम मासूम उनके सामने खड़े होकर उनको ये कह रहा है अस्सलाम वालेका या अंसारा अबी अब्दुल्लाह हुसैन। यानी आम इंसानों के ऊपर जिस हुज्जत खुदा सलाम कर रहा है, बे अभी अंता व उम्मी, ये कहकर आप कयामत तक आने वाला हर हुसैन का मानने वाला उनके सामने ये कह रहा है बे अभी अंता व उम्मी, मैं और मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए। ये कौन है? ये वो हैं कि जिन्होंने हक के सामने अपने आप को झुका दिया। जब इनके सामने हक आया तो इन्होंने हक को कबूल किया। यजीद इब्ने ज़ियाद नामी एक शहदाए करबला में से एक फ़र्द है, करबला के अंदर मौजूद है। वक्त गुजरता जा रहा है यहाँ तक कि रोज़ आशूरा आया, इमाम हुसैन का मुहासरा हो चुका है, तय हो चुका है कि हुसैन इब्ने अली को कत्ल करना। हुर के साथ मौजूद है, कहा कि हुर अब क्या होगा? कहा कि इब्ने ज़ियाद ने कहा है अब कुछ नहीं होगा, अब सिर्फ ये होगा कि कम से कम जो चीज़ होगी वो ये होगी कि इन लोगों के सरों, जिस्मों से सर जुदा होंगे, कम से कम चीज़। तो यजीद इब्ने ज़ियाद ने हुर से कहा कि हुर तुझे मालूम है ये कौन है? सामने के लश्कर की तरफ इशारा किया, क्या तुझे मालूम है कौन है? कहा ये फर्जंद रसूल है, ये जहरा का बेटा है। और ये जो इब्ने ज़ियाद जिसने हमें ये हुक्म दिया है कि हम ये जंग करें, तुझे मालूम है ये कौन है? कहा कुरान मजीद में परवरदिगार कहता है वह जाल ना हमायमतन यदूना इलन्नार, कुछ लोग, कुछ रहबर, कुछ आयमा हमने ऐसे भी करार दिए हैं, कुछ लीडर ऐसे भी करार दिए हैं कि जो अपनी कौम को नार, आग की तरफ लेकर जाएंगे। का इब्ने ज़ियाद वो है, इस आयत का मिसदाक है, यदऊना इला नार। तारीख करबला कहती है वहाँ से उठकर इमाम हुसैन के पास आया, हुर भी आया, ये भी आया, यजीद इब्ने ज़ियाद।
100 तीर थे इसके पास, 100 तीर थे असलहे में। इमाम की खिदमत में आया, इमाम से कहा कि मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरे पास ये 100 तीर हैं। इमाम ने इसके लिए दुआ की कि परवरदिगार तुझे कामयाब करे, परवरदिगार तेरे इन तीरों को सही जगह पर लगने की तौफीक अता फरमाए। 100 के 100 तीर निशाने पे लगे, इमाम की दुआ थी। जब तीर ख़त्म हो गए तो वो इमाम की राह में अपनी जान को उसने कुर्बान कर दिया। देखिए हक वाज़े है, हक जैसे ही सामने आया फौरन इमाम के सामने तस्लीम हो गया। लजाजत नहीं है, मुकरम और काबिल एहतराम इंसान की ये खसूसियत है कि जब भी उसके सामने हक आएगा वो उसे कबूल पर करेगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। बिल्किस कौन है? तख्ते बिल्किस आपने सुना है ना, हज़रत सुलेमान की हुकूमत पूरी दुनिया के अंदर फैल रही है। पता चला कि फला मकाम पर एक हुकूमत है जिसकी मलका है, उसका नाम है बिल्किस। हज़रत सुलेमान ने पैगाम भेजा, इस्लाम को, दीन को, अल्लाह के दीन को कबूल करो वरना जंग होगी। अब मलका बिल्किस परेशान है, सारे के सारे मुशाविर जमा हो गए, हक को कबूल, सारे के सारे मुशाविर जमा हो गए। कहा कि क्या बात है? कहा जंग करते हैं। कहा नहीं, जंग नहीं करेंगे, ऐसा करते हैं हमें देखना चाहिए कि वाकया अल्लाह का नुमाइंदा है या नहीं। अल्लाह का नुमाइंदा नहीं है क्योंकि ये कहता है कि मैं अल्लाह की तरफ से आया, इसको आजमाना पड़ेगा। क्या क्या करें? कहा ऐसा करते हैं दुनिया के कुछ तोहफे भेजते हैं, दुनिया के कुछ तोहफे भेजते हैं, तहाइफ भेजते हैं। अगर इसने वो तोहफे तहाइफ रख लिए तो इसका मतलब है कि ये अल्लाह का नुमाइंदा नहीं है। अगर इसने ये तोहफे तहाइफ वापस पलटा दिए तो इसका मतलब ये है कि ये अल्लाह का नुमाइंदा है। तख्त अपने तख्त को बचाने के लिए इसने जंग नहीं की, इसने कुछ तोहफे भेजे। हज़रत सुलेमान के पास तोहफे आए, हज़रत सुलेमान ने वापस कर दिए। जब ये वापस कर दिए तो इसका असर क्या हुआ? कहा खुद चल के हज़रत सुलेमान के पास आए, हक के सामने तस्लीम हो रही है। जिसको परवरदिगार आलम इज्जत देता है उसके अंदर ये सिफत पाई जाती है। दूसरी सिफत किसके पास है? फरमाया कि मन अहाना नफ्सा अकरमहुल्लाह, जो अपने नफ्स की मुखालफत करता है परवरदिगार आलम उसको मुकर्रम कर देता है, काबिल एहतराम कर देता है। हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है नफ्स है जिसे हम कहते हैं तबीयत, और एक है फितरत। फितरत की मुताबिकत करनी है और तबीयत की मुखालफत करनी है। तबीयत यानी नफ्स, ये आपको हर हराम काम की तरफ उकरता है, और आपकी जो फितरत है वो आपको हलाल काम और वाजिबात की तरफ उकरती है। अगर आप चाहते हैं कि कामयाब हों तो अपने नफ्स की मुखालफत करें। करबला के अंदर आने वाले दो किस्म के अफराद थे, कुछ लोग वो थे जो अपने नफ्स के खिलाफ जंग कर रहे थे, और कुछ लोग वो थे कि जो अपने नफ्स के साथ खड़े हुए थे। आप देख लीजिए करबला में आने वाला उमर सआद कौन है? उमर सआद किस लिए आया है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में उसे नसीहत कर रहे हैं, आखिरी वक्त में नसीहत कर रहे हैं कि देख तेरे साथ जो वादा किया गया है वो पूरा नहीं होगा, तू उस तक नहीं पहुंच सकता। यानी रय की हुकूमत की खातिर नफ्स, उसका नफ्स उससे ये चाह रहा है कि वो आए। जानता है इमाम हुसैन कौन है, अजमत सईद शहदा से वाकिफ है, लेकिन क्योंकि उसका नफ्स ये कह रहा है कि यहाँ पर आकर हुसैन के सामने खड़ा हो ताकि तुझे वो दुनिया मिल सके, लेकिन हुज्जत खुदा पहले ही पेशनगोई कर रहा है कि तुझे कुछ नहीं मिलेगा। यजीद के लश्कर के अंदर जितने भी अफराद थे उन्होंने अपने आप को बेच दिया था, और हुसैन इब्ने अली के लश्कर में आने वाले कौन थे? वो थे कि जिन्होंने अपने फितरत के मुताबिक, अपनी तबीयत के मुताबिक फैसले किए, हक के साथ खड़े हुए, हुज्जत खुदा के साथ खड़े हुए, लिहाजा क्या हो गए? काबिल एहतराम हो गए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अगर काबिल एहतराम होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने नफ्स की मुखालफत करना पड़ेगी। एक और चीज़
जिसका रिवायत में तस्करा मिलता है कि इज़ा अकरमल्लाहु अब्दन शगलहु बिमोहब्बते, परवरदिगार आलम जिसको मुकर्रम करार देता है, जिसको काबिल इज़्ज़त बनाता है, उसके दिल को अपनी मोहब्बत से पुर कर देता है। अल-क़ल्बु हरमुल्लाह, ये जो दिल है ना, अब ये वाला दिल तो नहीं है जो धड़कता है, अब ये वो दिल है जिसके बारे में वरल ये नफ्स है, क्या है, रूह है। अल-क़ल्बु हरमुल्लाह, कल्ब क्या है, हरम परवरदिगार, अल्लाह का घर है। इस कल्ब के अंदर किसी और को जाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, मगर ये कि परवरदिगार आलम ने इस कल्ब के अंदर किसी को रखने को वाजिब करार दे दिया, किसी की मोहब्बत को रखने के लिए वाजिब करार दे दिया। कहा कि इज़ा अकरमल्लाहु अब्दन शगलहु बिमोहब्बत ही, अब उसको मशगूल कर देता है अपनी मोहब्बत के साथ। अब ये सिर्फ इस दिल के अंदर उसी की मोहब्बत रहनी चाहिए, लेकिन कुछ मोहब्बतें ऐसी हैं कि जिनका परवरदिगार आलम खुद हुक्म करता है कि इस मोहब्बत को अपने दिल के अंदर रखो। अगर तुमने इस मोहब्बत को अपने दिल में नहीं रखा, अपने वजूद में नहीं बसाया, तो याद रखो मेरे सामने सजदे करते रहोगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे किसी सजदे को कबूल नहीं करूँगा। परवरदिगार जिसे खैर देना चाहता है, उसके दिल में हुसैन की मोहब्बत, हुसैन की ज़ियारत की मोहब्बत अता करता है। अजीब है, छठे इमाम फरमा रहे हैं कि परवरदिगार जिसको खैर देना चाहता है क्या देता है, हुसैन की मोहब्बत, हुसैन की ज़ियारत की मोहब्बत। और चौथा रास्ता और आसान तरीन रास्ता जो मुकरम होने के लिए, बाइज्जत होने के लिए हमारे सामने है, वो ये है कि अपने आप को अहले बैत से वाबस्ता कर लो, अपने आप को हुसैन की कश्ती में सवार कर लो, आप काबिल एहतराम हो जाओगे। तारीख़ के अंदर बहुत से लोग मिलते हैं आपको जो बहुत काबिल एहतराम है अल्लाह के नज़दीक, लोगों के नज़दीक नहीं, लोग कुछ भी कहें, अल्लाह के नज़दीक। उम्मे ऐमन का नाम शायद आपने सुना हो, कनीज़ है हज़रत ज़हरा की। रिवायत कहती है कि हज पे गई, रास्ता भटक गई, परवरदिगार आलम की बारगाह में हाथ उठाए, परवरदिगार तुझे मालूम है मैं कौन हूँ? क्या मैं फ़ातिमा की कनीज़ हूँ, मेरी रास्ते में रहनुमाई कर। परवरदिगार आलम ने रहनुमाई की, प्यास की शिद्दत बढ़ी, पानी मौजूद नहीं था, कहा परवरदिगारा तुझे फ़ातिमा का वास्ता, मैं फ़ातिमा की कनीज़ हूँ, मैं फ़ातिमा की कनीज़ हूँ। फ़ातिमा की कनीज़ होने की वजह से परवरदिगार आलम के नज़दीक इतना एहतराम कि आसमान से पानी का एक ढोल नाजिल हुआ। पानी जो उम्मे ऐमन ने उस वक्त पिया, तो रिवायत कहती है जब तक उम्मे ऐमन ज़िंदा रही दोबारा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये क्यों? इसलिए कि ये दर अहले बैत से जुड़ गई, अपने आप को अहले बैत के दरवाज़े से जोड़ लें। मदीने के अंदर कहती है कुछ नहीं है, पानी नहीं है, रावी कहता है मैंने देखा एक सियाह ग़ुलाम है ज़मीन पे, उसने अपना सजदे में सर रखा और परवरदिगार से यूँ गुफ्तगू कर रहा है, परवरदिगार जब तक तू पानी नहीं बरसाएगा अपना सर नहीं उठाऊँगा। देखा कुछ देर के बाद आसमान से पानी बरसा, इतना बरसा कि नज़दीक था सैलाब आ जाए मदीने में। कहा जब वो पानी बरस चुका तो ये ग़ुलाम उठा और ये एक तरफ चला, रावी कहता है कि मैं भी उसके पीछे पीछे चला। जब मैंने देखा कि वो एक मरतबा जाकर अली इब्न हुसैन के दरवाजे पर रुका, दस्तक दी, अंदर चला गया। मैंने पूछा ये कौन था? कहा कि अली इब्न हुसैन का ग़ुलाम था। परवरदिगार आलम के नज़दीक इतना मोहतरम है ये सियाह ग़ुलाम कि जिसको उस ज़माने में रहने वाला इंसान काबिल किसी एहतराम की निगाह से नहीं देखता, लेकिन परवरदिगार आलम के नज़दीक इसका कितना एहतराम है। अपने आप को अहले बैत से जोड़ लीजिए, काबिल एहतराम हो जाएंगे, मुकरम हो जाएंगे। फैज़ान मोहतरम, हुसैन की मजलिस मोहतरम, हुसैन की मट्टी मोहतरम, हुसैन की का कुब्बा, कब्र के ऊपर जो बना हुआ कुब्बा है वो क्या है, मोहतरम। इतना मोहतरम कि इमाम हादी जब बीमार होते हैं तो अपनी शिफा के लिए एक सहाबी को रवाना करते हैं, कहा जाओ उस कुब्बे के नीचे बैठकर मेरे लिए दुआ करो। हुसैन इतना मोहतरम कि परवरदिगार आलम ने 9 इमामों को हुसैन की नस्ल से करार दिया। ऐसा मोहतरम, आसान तरीन रास्ता यह है कि अपने आप को हुसैन की कश्ती में सवार कर लें,
क्योंकि ये वो कश्ती है कि जो कश्ती निजात है, और इसकी खसूसियत यह है कि ये नहीं देखती कि ये हाथ बढ़ाने वाला कौन है, ये नहीं देखती, ये सिर्फ ये देखती है कि इसने हाथ बढ़ाया है, इसको निजात मिलनी चाहिए, इसको अपनी कश्ती में सवार करना है। ये कश्ती निजात ये नहीं देखती कि ये हाथ बढ़ाने वाला कौन है, क्योंकि जैसे ही ये हाथ देता है हुसैन के हाथ में तो ये हुसैनी हो जाता है। ये कभी था कुछ, लेकिन जब हुसैन की कश्ती में आ गया तो अब हुसैनी है। लिहाजा हुसैन के साथ आने वाला, हुसैन से रिश्ता जोड़ने वाला परवरदिगार आलम के नज़दीक मकाम व मर्तबा पैदा करता है। परवरदिगार आलम उसे इज़्ज़त देता है, उसे एहतराम देता है। बस हर वो ज़ात, हर वो शख्स, हर वो चीज़ के जो हुसैन से जुड़ जाए वो काबिल एहतराम हो जाती है। हम अपने इमाम से सिर्फ यही कह सकते हैं, मौला हमारे पास कुछ नहीं है, हम अपना रिश्ता जोड़ने के लिए सिर्फ अपनी आंखों के अंदर चल आंसू लिए हैं। हम चाहते हैं इस आंसू के जरिए आपके साथ अपना रिश्ता जोड़ें। यकीनन ये आंसू भी बहुत मोहतरम है, इतने मोहतरम है कि इन आंसू को हुसैन की माँ अपने रुमाल के अंदर जमा कर दें। ये जो हुसैन की अज़ा में निकलने वाले आंसू हैं ये इनका मकाम है कि हुसैन की माँ इन्हें जमा करती है। आज़ीज़ो हुसैन जो अल्लाह के नज़दीक ये मकाम रखता है, अल्लाह की मखलूक ने, अल्लाह के नबी के मानने वालों ने हुसैन के साथ करबला में क्या किया, लेकिन सिर्फ बात करबला तक महदूद नहीं रही। तारीख ने लिखा करबला के बाद मुसीबतों का अंदाज़ दूसरा था, लेकिन मुसीबतें बहुत शदीद थी, मुसीबतें बहुत शदीद थी, क्योंकि वो बीवियाँ कि जिनके सरों से कभी चादरें नहीं उतरती थी, हुसैन के जाने के बाद अब उनको, उनके सरों को चादरें नसीब नहीं हुई। जब रास्ते में कोई चादरें लाकर देता था ना, रिवायत कहती है कि जब कोई चाहने वाला, जब कोई मोहब्बत करने वाला, रास्ते में मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ रिवायतें मिलती हैं कि जब कोई चाहने वाला चादरें देता था ना तो अशकिया आते थे, अपने हाथों में जो उनके नेज़े होते थे वो चुबोना शुरू करते थे, उन चादरों को बीवियों के सरों से उतारते थे। हाँ अजीज़ो, हुसैन के अजीज़ों पर बहुत मुसीबतें, हुसैन के औलाद पर बहुत परेशानियाँ आईं। जब वो अफराद के जो फर्जंद रसूल है, जो औलाद रसूल है, कि उनके ऊपर सदका व खैरात फेंका जाता था, ये मुसीबत है अहले बैत की, ये अहले बैत के लिए मुसीबत का वक्त है कि जिनके ऊपर सदका व खैरात हराम हो उनको सदका व खैरात दिया जा रहा है। आज़ीज़ो हुसैन की बेटी की मुसीबत तो कितनी है, तारीख कहती है कि जब ये मुख्तलिफ मकामात से गुजरता हुआ काफिला एक मकाम पर पहुंचा और हुसैन की बेटी जो हुसैन के सीने पर सोती थी, एक मर्तबा उसने अपनी फूफी से कहा, फूफी अम्मा अगर पानी मिल जाए, फूफी अम्मा प्यास लग रही है, तो तारीख कहती है कि एक मोमिना ने जब इस बच्ची की प्यास का सुना ना तो दौड़ती हुई अपने घर में गई, एक कूजा पानी का भर कर लेकर आई, कहा इस बच्ची को ये पानी पिला दो, और जब ये पानी सकीना के करीब पहुंचा ना तो इस मोमिना की जबान पर एक जुमला आया, कहा कि ए बीबी इसे पानी पिला दो, और पानी पिलाने के बाद मेरी दो हाजतें हैं, इससे कहो कि वो दुआ करे, मैंने सुना है कि गरीबों और असीरों कैदियों की दुआएँ कबूल होती हैं। ये बच्ची असीर है, ये बच्ची यतीम है, अजीज मुझे नहीं मालूम, एक मर्तबा उस मोमिना से जैसे ही ये जबान से उसके अदा हुआ, जनाब जैनब ने कहा बेटा रुक जा, पहले इसकी दुआ सुन ले, फिर इसके बाद पानी पीना। एक मर्तबा मोमिना से कहा, कहा तेरी दुआ क्या है, कहा पहली दुआ तो ये है कि जिस तरह से ये बच्ची यतीम हुई है मेरे बच्चे यतीम ना हो। मुझे नहीं मालूम उस वक्त शहजादी ने किस तरह से कहा होगा, अरे उस शहजादी को अपने बाबा का वो जिस्म याद आ गया होगा जो करबला की जमीन पर बेघोरों कफन
सकीना ने किस तरह दुआ की? दुआ की का दूसरी दुआ, का दूसरी दुआ ये है कि मेरी एक दुआ ये है कि मैं अपनी जिंदगी में एक मर्तबा अपनी सहदानी, अपनी मालकन, अपनी आका दादी जैनब की ज़ियारत कर लूँ। बस ये नाम सुनना था। जनाब जैनब ने कहा कि तू जैनब को पहचानती है? कहा क्यों नहीं पहचानती, वो मेरी आका दादी है। एक मरतबा जनाब जैनब ने कहा ए उम्मे हबीबा वही मैं जैनब हूँ जो तेरी आका दादी होती थी। अरे ये जो नैनों के नेजा पर सर देख रही है वो तेरे आका हुसैन का सर है। अजरकुमल्लाह खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। ये काफिला चलता रहा, मुसीबतें बढ़ती रहीं, मुसीबतें आती रहीं। एक वक्त ऐसा आया कि ये काफिला शाम में दाखिल हुआ और जब शाम में दाखिल होने के बाद सुबह से शाम हो गई, इसको शाम के शहर में फिराते रहे और जब दरबार शाम में ये काफिला पहुँचा है ना, तो मासूम फरमाते हैं कि कैफियत ये थी जिस तरह से जानवरों को एक ही रस्सी के अंदर बांध दिया जाता है। अरे छोटे बड़ो सबको एक ही रसन में बांध दिया गया था। जब काफिला, जब ये असीरों का ये काफिला दरबार शाम में पहुंचा है ना, तो उस मलून ने एक अजीब मंजर देखा। एक छोटी सी बच्ची है जो कभी अपने एक पांव पर जोर देती है, कभी दूसरे पांव पर जोर देती है, एक हाथ चेहरे पर, दूसरा हाथ गले पर, एक हाथ चेहरे पर, दूसरा हाथ गले पर। एक मर्तबा मलून मुखातब हुआ, कहा ये बच्ची कौन है? कहा ये हुसैन की बेटी सकीना है। हाँ ये वही सकीना है कि जिससे हुसैन बहुत मोहब्बत करते थे। पूछा कि ये बता कि तूने अपना चेहरे पे हाथ क्यों रखा है? कहा कि मेरे सर पर चादर नहीं, अरे मैं पर्दा नहीं कर सकती। अरे चादरें तुम लोगों ने लूट ली, मैं अपने हाथ से अपना चेहरा छुपाई हुई हूँ। कहा गले में क्यों? कहा गले में रस्सी बांधी है। अरे अरे जैसे ही कोई बड़ा हिलता है मेरा गला खींचता है, मेरा गला खींचता है। कहा अच्छा, मैंने सुना है तेरे बाबा तुझसे बहुत मोहब्बत किया करता था। कहा हाँ मेरा बाबा मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। कहा अच्छा, बाबा से मिलना चाहती है? एक मर्तबा तख्त के नीचे एक तश्त रखा हुआ था, तश्त को बाहर निकाला, सकीना ने इतने करीब से अपने बाबा को नहीं देखा था, बस ये देखा जैसे ही बाबा का सर सकीना के सामने आया, सकीना बाबा के करीब जाना चाहती है। मालूम रुक जा, रुक जा, मैंने सुना है तू बहुत मोहब्बत करती थी, आज तेरी मोहब्बत का इम्तिहान है। अरे तू अपने बाबा को आवाज दे, अगर तेरा बाबा तुझसे मोहब्बत करता था तो वो खुद तेरे पास आएगा। अरे सकीना ने जलता हुआ कुर्ता आगे बढ़ाया, परवरदिगार की बारगाह में अर्ज की, परवरदिगार आज मेरी मोहब्बत का इम्तिहान हो रहा है। रावी कहता है वो कटा हुआ सर तश्त से उठा, सकीना की आगोश में आया। अरे जो सर आज तक सकीना के लिए झुकता था, अब सकीना का सर बाबा के करीब आया। कहा बाबा तेरे जाने के बाद मुझ पर बहुत जुल्म हुए, मेरे कानों से गोशवारे छीने गए। और फिर बाबा की तरफ खिताब किया, लेकिन बाबा तुझ पर तो मुझसे ज्यादा जुल्म ढाए गए। अरे तेरे होठों पर जख्मी, अरे तेरे होठों पर छड़ी मारी गई, अरे तेरे गले को तेरे जिस्म से सिबा। على قوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون پروردگار ہماری عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں قرآن و اہل بیت کے ساتھ متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے امام انصار میں شامل فرما، ماتم حسین۔